वालेकुम। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, वालेकुम सलाम। हाँ जी, ज्यादा इंतजार तो नहीं आप लोगों को करना पड़ा? इनका ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा आप लोगों को? नो सर। स्क्रीन शो करवाता हूँ इसको, जरा देखेंगे। स्क्रीन शो हो रही है आपको? कहाँ नो तक सर। नहीं हो रही? अब देखें, अब जी देख सर, अब हो गई। कहां तक पढ़ लिया था हम लोग? कंप्लीट हो गया था चैप्टर। शुरू से करना है, अब अगला चैप्टर करना था? जी सर। चलें सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एंशिएंट वर्ल्ड। फर्ज करें अगर आप 1500 पहले हों, यानी कि आज से 15,000 साल पहले आप इस दुनिया में होते, तो आप क्या होते बताएं? कैसी जिंदगी होती है आपकी, वरदा बताएं जरा। और सुकून, पढ़ाई भी ना होती। और अगर हम नेगेटिव साइड पे जाएं तो फिर क्या होता? तो साइंटिफिक पॉसिबिलिटीज ना होती। क्या ना होती? साइंटिफिक पॉसिबिलिटीज जो आज हमारे पास, बिजली, लैंड, सही, दाऊद, दाऊद ही है ना आपका सीयर? जी दाऊद, आप इस पे रोशनी डाले जरा। है कि नहीं है दाऊद? बाकी एनीवन एल्स, कोई और इस पे रोशनी डालना चाहे कि अगर 15,000 साल पहले हम होते दुनिया में तो हम
क्या होते, किस तरह की हमारी जिंदगी होती। ये कहना बिल्कुल महफूज होगा कि आप पूरी जिंदगी कुछ इस तरह के तजर्बात का सामना करते, लाइटनिंग, थंडर, रेनबो, द फेज ऑफ द मून, डेथ, बर्थ, इलनेस, ड्रीम, और इसके अलावा अर्थ क्यूब और फ्लड्स वगैरह, ये सारी चीज़ों का आप मुजाहरा करते। यानी कि कहने का मतलब, अगर 15,000 साल पहले हम इस दुनिया में होते तो ये जो जंजले आते हैं, ये जो सूर्य ग्रहण लगता है, ये जो सैलाब आते हैं, ये जो चांद और सूरज का आपस में ग्रहण होता है, और इसके अलावा जो डरावने ख्वाब आते हैं हमें, जो बीमारियां हैं, जो पैदाइश है, जो मौत है, इन सारी फेजेस में आप किस तरह का रिस्पॉन्स देते। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा खौफज़दा होते, क्योंकि इससे पहले उस दौर के अंदर साइंटिफिक नॉलेज नहीं था, तो आपको इनके बारे में पता नहीं था। अगर सूर्य ग्रहण उस दौर में, आज के दौर में अगर साइंस ना होते, सूर्य ग्रहण लगता तो लोग ये सोचते कि पता नहीं दुनिया ख़त्म होने लगी है, अंधेरा छा गया है, हर जगह क़यामत है, इस तरह कुछ अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, जिससे इंसान खौफ ज्यादा होता है, साइकोलॉजिकली उसकी वेलबींग पे अफेक्ट आता है। तो ये सारी की सारे जो इवेंट हैं, ये बराह रास्त इंसान अपनी जिंदगी में इसको महसूस कर सकता होता, और ये कुदरती जो भी वाकयात रोनुमा होते हैं, जिनको हम अकाउंट करना चाहते हैं कि ये क्यों, कितने हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। बहुत से ऐसे वाकयात, मिसाल के तौर पे लाइटनिंग कांट बी एक्सप्लेन बाय एवरी सिटीजन इवन टुडे। आज के दौर में भी जो एक आम सा बंदा है वो इसको डिफाइन नहीं कर सकता कि ये क्या है, बट वी हैव फेथ द साइंटिस्ट कैन एक्सप्लेन सच इवेंट। लेकिन हमें इस चीज़ पे यकीन होता है कि हमारे साइंसदान जो इस तरह के वाकयात को बहुत अच्छे तरीके से बयान कर देंगे। वी आर कन्फ्रंटेड एंड लेस फियरफुल, इसलिए हम उन चीज़ों का सामना भी करते हैं और कम खौफज़दा होते हैं। ताहम जो हमारे शुरू के इंसान थे, यू वुड हैव सो साइंटिफिक नॉलेज अवेलेबल, उनके पास जो था वो साइंटिफिक नॉलेज काफ़ी हद तक मौजूद नहीं था। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में भी मेंशन किया गया है, थॉटफुल ह्यूमंस हैव ऑलवेज मेड इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन, कि जो समझ बूझ रखने वाले इंसान होते हैं वो हमेशा बराए रास्त मुशाहदे पे फोकस करते हैं, एंड देन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन दूज ऑब्जर्वेशन, और फिर कोशिश करते हैं उस मुशाहदे को बयान करने की। आर दो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लेनेशन बिकेम की कंपोनेंट ऑफ साइंस, लिहाजा जो मुशाहदा है या किसी भी वाक्य को बयान करना जो है वो बहुत ज़्यादा अहम कंसिडर किया जाता है साइंस के अंदर। और जो इब्तदाई इंसानों ने इसकी वजाहत की और वजाहत की पेशकश की किसी भी चीज़ से मुतल्लक, वो साइंटिफिक नहीं थी। उन्होंने अपने पास एक्सप्लेनेशन तो दे दी लेकिन वो साइंटिफिक नहीं थी। अभी तक इस पैराग्राफ में अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ लें। है कोई क्वेश्चन? चलें जी, आगे चलते हैं। फिर एनिमिज्म वर्सेस एंथ्रोपोमोर्फिज्म, एंथ्रोपोमोर्फिज्म और एनिमिज्म। ह्यूमंस जो इब्तदाई इंसान थे, उन्होंने कोशिश की बयान करने की जो कुदरती वाकयात रोनुमा होते हैं, और इंसान जो है उसको प्रोजेक्ट करता है अपनी सफात, यानी कि ये कुदरती सफात है। अगर कोई बंदा अग्रेसिव है तो हम कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से ही अग्रेसिव है, या इसकी ये एक सिफत है, एट्रीब्यूट है। प्रोजेक्ट करना क्या होता है कि जब एक चीज़ आपके अंदर पाई जाती है, आप वही वाली चीज़ प्रोजेक्ट करें किसी और बंदे में। यानी कि अगर आप अच्छे हैं तो आपको सब अच्छे लग रहे हैं, अगर आप बुरे हैं तो आपको सब बुरे लग रहे हैं। तो इसी तरह इंसानों ने भी प्रोजेक्ट
प्रोजेक्शन की इंसानी फितरत से मुतलक इंसानी जो चीज़ें हैं, ओ सॉरी कुदरती जो चीज़ें हैं उनसे मुतलक और कुदरती माहौल से मुतलक। मिसाल के तौर पे आसमान या ज़मीन कुड बी कम एंग्री, जिस तरह अगर एक इंसान, अब इंसानों ने ये सोचना शुरू किया अगर हम नाराज होते ना तो ये इर्द गिर्द की जितनी चीज़ें ना ये भी नाराज होती, आसमान भी नाराज होता है, ज़मीन भी नाराज होती है, और इसी तरह जो बादल हैं वो एक इंसान की तरह है, एक पर्सन की तरह है, उन्होंने सारी ही कुदरती जो चीज़ें हैं इनको सोचा, इनके बारे में सोचा और देखा, इन्हें इस अमल को उन्होंने नाम दे दिया एनिमिज्म का। एंड द प्रोजेक्शन ऑफ ह्यूमन एट्रीब्यूट ऑन टू नेचर, और जो चीज़ें इंसानों में पाई जाती हैं वो कुदरत की जो चीज़ें बनाई हुई चीज़ें उनमें देखना, और जैसे कि इंसान जो है वो एंग्री होता है और आसमान या ज़मीन ये अल्लाह की बनाई हुई एक चीज़ है, हम प्रोजेक्ट करें कि आसमान और ज़मीन भी जो है वो भी एंग्री होती है, तो इसको हम एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहते हैं। दोनों ही एनिमिज्म और एंथ्रोपोमॉर्फिज्म दोनों ही जो थी वो इब्तदाई कोशिशों में पेश थी, इन्वॉल्व थी, और जो कि ज़िंदगी के बारे में एक सेंस बना रही थी कि आखिर ज़िंदगी में होता क्या है। जो इब्तदाई इंसान थे उन्होंने कोई भी फ़र्क नहीं रखा एनिमेट में और इनएनिमेट में, यानी कि लिविंग चीज़ों में और नॉन लिविंग चीज़ों में उन्होंने कोई फ़र्क नहीं रखा। इसी तरह मटीरियल और नॉन मटीरियल दोनों में उन्होंने कोई फ़र्क नहीं रखा इब्तदाई इंसानों में। समझ आ गई है यहाँ तक? बोला करें आप लोग, पता नहीं कैसी क्लास हो, मुझे ये नहीं समझ आ रही, जब मैं क्लास में गया था तो आप पूरी की पूरी क्लास की बातें नहीं बंद होती थी, और अब मैं तीन क्लासों को पढ़ा रहा हूँ, उन तीनों में से आपकी क्लास सबसे ज्यादा जो यानी के सिक कह रहे हैं बीमार तरीन क्लास आपकी क्लास लग। एक जो दूसरी अप्रोच इस्तेमाल की गई थी दुनिया को बयान करने के लिए, और ये फर्ज किया जाता था कि जो बदरूहें होती हैं या रूहें होती हैं वो हर चीज के अंदर मौजूद होती हैं, इंसानों के अंदर भी मौजूद हैं, और इसी तरह उन्होंने कहा कि जो रूह होती है वो किसी भी चीज़ में हकीकी तौर पर मौजूद होती है, कोई भी वाक़या हो नेचर में, डायमंड इन बोथ नेचर एंड ह्यूमन, कुदरती माहौल में कोई वाक़या हो या इंसान के अंदर कोई वाक़या हो उसको हम बयान कर सकते हैं रूह की सूरत में, कि जी ये रूह की वजह से है, द वर्ल्ड स्पिरिट रिसाइडेड इन एवरीथिंग, द वर्ड स्पिरिट इज ड्राइव फ्राम लेटिन वर्ड फॉर ब्रिथ, ये सांस से निकला है, जब तक सांस चलेगी इंसान की ज़िंदगी चलेगी, जब ये सांस रुक जाएगी तो वो इंसान की मौत वाक़या हो जाएगी। ये जो रूह है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कैन समटाइम्स लीव द बॉडी, ये बात का इसके लिए जिस्म को छोड़ के जाना ज़रूरी होता है और फिर ये वापस भी आ जाती है। As was assumed to be the case in dreaming, जैसे कि आप ख्वाब में देखते हैं कि आप ख्वाब में सोए हुए होते हैं, आपकी जो है वो आप किसी ऐसे बंदे को देख रहे हैं जिसकी बायोलॉजिकली डेथ हो चुकी है, आप उसको देखना शुरू कर देते हैं तो आप कहते हैं मैंने इसको देखा है, वो अभी भी है इधर कहीं है घर में, मैं जहाँ भी मुझे हर जगह वो नज़र आ रहा है। अब उन्होंने कहा कि ये जो इट वाज अज्यूम्ड दैट द पर्सन मस्ट स्टिल एग्जिस्ट, फॉर इट वाज बिलीव्ड दैट सम थिंग दैट कुड बी थॉट ऑफ मस्ट एग्जिस्ट, कि उसके पीछे कोई ना कोई सोच है, कोई ना कोई वजह है जो वो चीज़ हमें नज़र आ रही है। विद दिस लॉजिक, इस वजह के साथ, एनी टाइम एनी थिंग द माइंड कुड कंजोर अप वाज अज्यूम्ड टू बी रियल, वो हमें हकीकी दिखाई देता है, देयर फॉर इमेजिनेशन एंड ड्रीम प्रोवाइड एन एरा ऑफ डेमन्स स्पिरिट्स मॉन्स्टर लेटर गॉड्स, ये सारी चीज़ें उसमें आई। मैजिक आ गया, मैजिक में बेसिकली ये कहा गया है
ये वो वाला एरा था, ये वो वाला दौर था जिसके अंदर जो थी रू, एन एरा ऑफ स्पिरिट, रू का दौर था विद ह्यूमन क्वालिटी, जिसके अंदर इंसानी खसूसियात पाई जाती थी, ये यकीन था उस वक्त। अटेम्प्टिंग टू कम्युनिकेट विद द स्पिरिट, और जो इंसानी क्वालिटीज थी वो कोशिश करती थी कि वो रूह से बातचीत करे, एंड अदरवाइज इन्फ्लुएंस दें या इस पर असरअंदाज हो, वाज अ नेचुरल इम्पल्स, ये कुदरती एक स्टिमुलस है। इफ फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, स्पिरिट वाज प्रोवाइडिंग टू मच और टू लिटल रेन, अगर आपकी रूह है वो बहुत ज्यादा बारिश या बहुत कम बारिश जो है वो मुहैया करे। ह्यूमन मेड अटेम्प्ट टू परसुएड द स्पिरिट टू मॉडिफाई इट्स इन्फ्लुएंस, तो इंसान जो है वो रूह के साथ तल्लुक कायम करके उसको बेहतर कर सकता है, उन्हें कह सकता है अपना असर सही तरीके से करो। इसी तरह सिमिलरली अ सिक पर्सन वाज थॉट, इसी तरह एक बीमार बंदा जो होता है वो ये सोचता है कि जी, जो बदरूहों के मुतल्लिक सोचा जाता है, यानी कि एक अगर बीमार बंदा है तो हम ये सोचते हैं कि इसके अंदर बदरूह है। विच हैड टू को एक्ट टू लीव द बॉडी और बी ड्राइवन आउट, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि वो जिस्म से बाहर आ जाए और जिस्म को तनहा छोड़ दे। एलैबोरेट मेथड, जैसे कि आप आज के भी दौर में किसी भी बाबे के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी ये अंदर ना साया हो गया, ये इस वजह तो बीमार है, तो इंसान बाबा ही की कर दे ना गलबात कर दे कि ये साए न बाहर कढ़न की कोशिश कर दे। एलैबोरेट मेथड कार द मैजिक, इसको हम कहते हैं मैजिक, इवॉल्व डेट वर डिजाइन टू बी इन्फ्लुएंस द स्पिरिट, और ये इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ये रूह पे असरअंदाज हो। पीपल बिलीव डेट अप्रोप्रिएट वर्ड, लोग इस जो खास वर्ड पे यकीन रखते हैं, ऑब्जेक्ट, सर्मनीज, ह्यूमन एक्शन कुड इन्फ्लुएंस द स्पिरिट, ये सारी चीजें किस पे रूह पर असरअंदाज होती हैं। और Human have always needed to understand, predict and control nature. इंसान हमेशा से इस कोशिश में लगा रहा है कि जी वो इन चीज़ों के बारे में समझे, इनकी पेशगोई करे और कुदरत को कंट्रोल करने की कोशिश करे। एनिमिज्म, एंथ्रोपोमोरफिज्म, मैजिक, रिलीजन, फिलोसफी एंड साइंस कैन ऑल बी सीन एज एफर्ट टू सेटिस्फाई दूसरे, ये सारी की सारी जितने भी ऊपर हमने एनिमिज्म को पढ़ा, एंथ्रोपोमोरफिज्म को पढ़ा, मैजिक को पढ़ा, रिलीजन हो गया, फिलोसफी हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना कोशिश करती हैं कि हमारी जो ज़रूरियात हैं हम उससे हमें मुतमिन किया जाए। और सिस्टम ऑफ बिलीव इवॉल्व टू लूसीडेट द ऑर्डर ऑफ थिंग्स एंड मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड, ये जितना भी निज़ाम है ये कोशिश करता है इस बात पर यकीन रखता है कि हमें चीज़ों की एक तरतीब के मुतलक बताया और उसके मुतलक सेंस बनाए हैं ताकि हमें पता चल रहा है दुनिया में हो क्या रहा है। इन दिस सेंस, इस वजूद के साथ, इस नजरिए के साथ, साइंस इज जस्ट अ मच अ मच अ मैथ एज एनीथिंग एल्स, किसी भी चीज से मुतल्लक जो आपके गलत नजरियात होते हैं, मैथ होते हैं, जैसे कि अक्सर कहते हैं साइकोलॉजिस्ट हाथ देख के सब कुछ बता देते हैं, ये मैथ है, ये साइंस नहीं है, और ना ही इसका रियलिटी से कोई तल्लक है। इट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ मॉडल डिजाइन टू एक्सप्लेन एंड फॉर्म रियलिटी फॉर दूज पीपल हु एक्सेप्ट इट, और मौजूदा दौर में कोई ऐसा निज़ाम लेके आया जा रहा है कि जी इस चीज़ को हम बयान भी करें, इसकी हकीकत भी लोगों को बताएं और ये कबूल भी हो। डेट इज़ फॉर दूज पीपल हु वॉलेंट्री बिकम मेम्बर्स ऑफ सोसाइटी, इसलिए बहुत से लोग जो हैं वो खुद मुख्तार या आज़ाद करना वॉलेंट्री तौर पे जो है वो माशरे का हिस्सा बने, एंड फॉर ओनली एज लॉन्ग एज देयर आर इनफ पीपल टू एक्सेप्ट इट, और ये सिर्फ उस वक्त तक रहा जब तक काफ़ी हद तक लोगों ने इसको कबूल ना कर लिया, यानी कि कबूल कर लिया। इफ़ दिस इज सो, अगर ऐसा ही हो, देन सो फार आर फ्राम वनिशिंग गॉड्स, साइंस हैज नियर मेरली बीन द मैट्रिक्स फॉर अ न्यू जनरेशन, साइंस जो है वो आने वाले ये जो नस्ल है उसके लिए एक बहुत बड़ी फायदेमंद चीज साबित होती है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास होमोसाइकोलॉजिकल, होमोसाइकोलॉजिकल
होमोसाइकोलॉजिकल हम्फ्री ऑब्जर्व अर्ली ह्यूमंस नॉट ओनली सॉट टू अंडरस्टैंड, जो इब्तदाई इंसान थे ना वो सिर्फ रास्ते तलाश करते थे चीज़ों को समझने के, पेशगोई करने के, कंट्रोल करने के माहौल को, बट आल्सो अदर पीपल, माहौल के साथ साथ लोगों के बारे में भी वो इसी तरह ही करते थे कि वो उन्हें पेशगोई उनकी करते थे, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, उन्हें समझने की कोशिश करते थे। इनडीड पार्ट ऑफ व्हाट मेक अस यूनिकली ह्यूमन एंड इज दैट वी आर मैच्योर साइकोलॉजिस्ट ऑफ अ सॉर्ट दैट इज द वेरी सर्वाइवर ऑफ एवरी ह्यूमन वाज रिलेटेड टू आवर एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड व्हाट आवर स्पेसिफिक्स वर फीलिंग्स एंड इंटेंडिंग टू डू। अच्छा, बेसिकली इस वाले पैराग्राफ के अंदर है ना कि लोग ये कोशिश करते थे कि जो हमारे अंदर यानी कि चल रहा होता था उसको समझने की कोशिश करते थे, कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। आज के दौर में भी बहुत से लोग जो होते हैं वो पहले तो डिटेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद अवॉइड करते हैं एंग्री पीपल एज वेल एज क्विकली एंड इवन टूडे डिटेक्टिंग एंड अवॉइडिंग एंग्री पीपल। आज के दौर में भी लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि ये बंदा नाराज होने वाला है या इसकी शख्सियत इस तरह की, ये गुस्सा बहुत जल्दी कर लेता है, तो इंसान क्या करते हैं पहले तो उसको फाइंड आउट करते हैं ऐसा बंदा कौन सा है इस क्लास के अंदर, फिर उस बंदे से अवॉइड करते हैं कि जी इसको ना ही मुंह लगाएं तो बेहतर है, इससे बात ना ही करें तो बेहतर है। और इसके अलावा आप ये समझ रहे हैं कि जी अगर आप रोड के ऊपर सफ़र कर रहे हैं तो आप लाइकली टू डू नेक्स्ट, क्या आप नेक्स्ट क्या करने वाले, दूसरे लोग देखने वाले ये करेंगे कि जी अब देखना ये इस तरफ को टर्न लेगा, और अगर उसी तरफ को टर्न ले हम देखा कहा था ना कि जी ये इस तरफ को ही टर्न लेगा। हो नेचुरली वी प्रैक्टिस इन साइकोलॉजी, हम डेली लाइफ में साइकोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि हमें पहले से पता चल जाता है। बिकॉज ऑफ दिस, इस वजह से हमरे सजेस्ट दैट इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉल्ड होमो सेपियंस व्हाट कुड मोर एक्यूरेटली बी नेम्ड ऑफ होमो साइकोलॉजिकस, उसने इस चीज को नाम दिया होमो साइकोलॉजिकस का। मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग हाउ यंग चिल्ड्रन डेवलप द स्किल्स, जो मौजूदा दौर के डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं वो इस चीज़ को जानने में दिलचस्पी रखते हैं कि कैसे नौजवान जो बच्चे होते हैं वो अपने अंदर एक महारत को बनाते हैं डेट अलाउ देम टू नो व्हाट अदर पर्सन आर लाइकली थिंकिंग एंड इंटेंडिंग, कि जो दूसरा जो किस तरह से वो महारत इस तरह की बना लेते हैं जो इसे इजाज़त देती है कि वो सोचे किस तरह से अगला बंदा इस वक्त सोच रहा है और उसकी तवज्जो क्या है। दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ माइंड, इसको हम थ्योरी ऑफ माइंड कहते हैं। टारगेट फ्लासबर्ग, एट अ मोर सोशलॉजिकल लेवल वी कैन आल्सो सी देन हाउ अ रिलीजियस रिलीजन्स एट्रीब्यूट ह्यूमन इमोशंस, के इब्तदाई जो मजाहिब थे उन्होंने किस तरह इंसानी जज्बात की को एट्रीब्यूट किया, इंसानी बेकरदार को एट्रीब्यूट किया। पढ़ लें, अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछ लें, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं।
अच्छा जी, अब अर्ली रिलीजन्स की हमने बात की है, तो अर्ली ग्रीक रिलीजन जो था उस वक्त 15 और 15वीं और 16वीं सदी के अंदर ग्रीक जो थे वो चीज़ों को बयान इस तरीके से करते थे जिस तरीके से उन्होंने बयान किया, वो आज भी बहुत ज़्यादा बेहतर समझा जाता है कुदरत के अंदर। दे उन्होंने कहा कि देर आर टू मेजर थियोलॉजीज टू चूज फ्रॉम, यहाँ यानी कि दो किस्म की थ्योरीज हैं, और पहली को हम कहते हैं ओलंपियन, दूसरी को हम कहते हैं ओर्फिक। अब ओलंपियन रिलीजन जो थे उस वक्त के दौर में, ये दो रिलीजन बहुत ज़्यादा यानी कि कंसिडर किए जाते थे कि जो ये बात करते थे उसको माना जाता था। ओलंपियन रिलीजन जो थे उनका ये अकीदा था कि जो गॉड है, गॉड एज डिस्क्राइब इन द होमेरिक पोइम्स, ये क्या करते थे कि गॉड्स को जो है वो अपनी नज्मों में बयान करते थे। अगर आपने ओलंपियंस की तारीख पढ़ी होगी तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने बहुत सी नज्में वगैरह लिखी जिसमें इन्होंने अपने मॉरल वैल्यूज बताई, ट्रेडिशंस बताई, और इसके अलावा इन्होंने ऑर्डिनरी ह्यूमन की एंग्जाइटी से मुतल्लिक मालूमात भी फ्राहम की। ओलंपियन रीजन वाले जो थे उनका इस बात पे यकीन था कि जी सांस और रूह पे कि डिड सरवाइव डेथ, अगर ये सरवाइव ना कर सकें तो मौत वाकई आती, बट डिड सो विदाउट एनी ऑफ द मेमोरीज ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेड, ये किसी भी शख्सियत की जो खसूसियात हैं उसके बगैर ये सब कुछ पॉसिबल होता है। हुज बॉडी इट हैज ऑक्यूपाइड, जिस जिस्म के अंदर ये पाई जाती है। सच अ बिलीफ कंसर्निंग लाइफ आफ्टर डेथ इनकरेज लिविंग वंस लाइफ, अब मौत के इनका ये अकीदा था कि मौत के बाद वाली जिंदगी को जरूरत के साथ जो है और अच्छे तरीके से लुत्फानंदोज करने के काबिल बनाना चाहिए। टिपिकली द आइडियल लाइफ वाज सीन एज इन्वॉल्विंग द परसुएट ऑफ ग्लोरी थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ टिपिकली द आइडियल लाइफ वॉज सीन एज इन्वॉल्विंग द परसुएट ऑफ ग्लोरी थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ द नोबल डीड, जो उस वक्त की जरूरत थी उस पे काम करके आप एक अजीम जो है वो कारनामा सर अंजाम दे सकते हैं। आप अपने आइडियल लाइफ के मुतल्लक जो भी आप बता सकते हैं वो बता सकते हैं। इन द थॉट ऑफ ग्लोरी मस्ट ग्रीक्स फाउंड अ कंसोलेशन फॉर द श्योर शेडो डूम विच अवेटेड देम टू इन द ग्रेव, अब वो कह रहा है कि कब्र में एक जो अंधेरा होता है वो इस बंदे का इंतजार कर रहा होता है। ओलंपियन गॉड आर सो पर्सोनिफाइड ऑर्डर लाइंस एंड रेशनैलिटी एंड वैल्यूड इंटेलिजेंस, अब ये लोग भी जो थे ये किसको परसोना किसको कहते हैं कि जब एक बंदा जो है वो अपने चेहरे पे नकाब पहन ले जो है वैसा शो ना हो, के उसी हिसाब से वो और तरतीब के हिसाब से और हकीकत के हिसाब से, और इसने इन्होंने जहानत को ज्यादा अहमियत दी। इन शॉर्ट अगर मुख्तसरन आप कहें ऊपर जितना भी पढ़ा है तो आप ये कह दें कि ओलंपियन गॉड टेंड टू हैव द सेम करेक्टरिस्टिक्स एंड बिलीफ एज द मेंबर ऑफ द ग्रीक अपर क्लास, के ओलंपियन गॉड जो थे उनकी भी तवज्जो इसी चीज़ों पे थी कि जो सेम खसूसियात पाई जाती हैं या अकीदा पाई जाता है जो ग्रीक उस वक्त के थे अपर क्लास के जो मेंबर थे उनमें जो चीज़ें पाई जाती थी वही इनमें पाई जाती थी। इट हार्डली सीम सरप्राइजिंग दैट ग्रीक नोबिलिटी फेवर्ड द ओलंपियन रिलीजन, के ये जो ग्रीक नोबिलिटी है ये जो फेवर कर रही थी ओलंपियन रिलीजन की, ये आमतौर पे ये ज्यादा हैरानकुन सरप्राइज था कि ग्रीक नोबिलिटी जो थी यानी कि जो ग्रीक की अपर क्लास थी वो ओलंपियन रिलीजन की फेवर में थी।